नमस्कार। भिंड में एक परिवर्तन की लगातार लहर बह रही है और इस परिवर्तन की सकारात्मक लहर को बहाने का काम हमारे युवा कर रहे हैं। लगातार बड़े बड़े एग्ज़ाम्स UPSC जैसे बहुत कठिन एग्ज़ाम्स में हमारे युवा सफलता हासिल कर रहे हैं और इन्हीं में से एक युवा वर्तमान में हमारे साथ हैं। मैं उनको आपसे रूबरू कराता हूं। हमारे साथ हैं हर्ष भदौरिया। हर्ष जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। आपकी सफलता के बारे में थोड़ा सा बताइए। सफलता में कोई भी आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे, सतत प्रयास करते रहेंगे तो एक समय जरूर आएगा कि आपको अपनी जो जहाँ आप पहुँचना चाह रहे हैं वहाँ आप जरूर पहुँचेंगे। आप अपने माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद और आपके जो भी शुभचिंतक हैं उन सबका आशीर्वाद अपने साथ लेकर चलिए, निश्चित ही आपको सफलता जरूर मिलेगी। हर्ष, जैसा कि हम सबको पता है कि आपने UPSC का एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो थोड़ा विस्तार में बता पाएंगे कि आपने कौन सा पद पर चयन हुआ है आपका? मैंने UPSC CAPF AC एग्ज़ाम 2023 क्वालिफाई किया है। इससे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट पद के पद पर चयन हुआ है मेरा। आपका कौन सा प्रयास था ये? ये मेरा तीसरा प्रयास था असिस्टेंट कमांडेंट वाले एग्जामिनेशन में। इससे पहले मैंने CDS, ND और FCAT इन सारे के काफ़ी सारे बार SSBs दिए हैं, उनमें मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। उसके बाद ये मेरा दूसरा लगाव था जिसके कारण मैंने CAPF का एग्ज़ाम दिया और उसमें मैंने तीसरे प्रयास में सफलता हासिल की। अब और भविष्य में क्या क्या आप उम्मीदें रखते हैं, और आप अभी और एग्ज़ाम की तैयारी कर ही रहे होंगे? हाँ, निश्चित रूप से अभी और एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। अभी मेरा आने वाला IVACIO का इंटरव्यू भी है। अभी उसके बाद अभी कोई निश्चय नहीं किया है कि आगे और दूसरे कौन से एग्ज़ाम में बैठना है। अगर समय मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान या उसके बाद, तो उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि और क्या करना है आगे। आपने UPSC जैसा बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम क्रैक किया है। भिंड में लगातार ऐसे युवाओं का चयन हो रहा है तो हमारे भिंड के लिए बहुत ही सकारात्मक है। आप हमारे भिंड के युवाओं को और कोई ऐसा संदेश देना चाहेंगे, कोई ऐसा की फैक्टर बताना चाहेंगे जिससे कि हम सफलता तक और आसानी से पहुंच सकें? बस यही एक मूल मंत्र सफलता का, आप प्रयास करते रहें, अपनी मेहनत पर विश्वास रखें और धैर्य रखें। धैर्य सबसे सबसे ज़्यादा अगर कोई आवश्यक चीज़ है आपके सफलता में तो वो धैर्य। आप धैर्य रखेंगे तो निश्चित रूप से ही आपको आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आप कामयाब होगी। इसलिए धैर्य रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ आप डिसिप्लिनड रहिए और अपनी मेहनत जारी रखिए। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद हर्ष। हमारे साथ हर्ष के पिताजी भी हैं, श्री आलोक भदौरिया जी हैं, शासकीय शिक्षक हैं, बहुत ही उत्कृष्ट और लगातार बहुत ही अच्छा सकारात्मक कार्य कर रहे हैं। भाई साहब, आपका बच्चा चयनित हुआ है जी, कैसा लग रहा है आपको? जैसा कि हर माता पिता को लगता है, उसी एक पिता के तौर पर मैं बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूँ। क्या आपको ऐसा लग रहा था बच्चा शुरू से ही, मतलब आपको लग रहा था कि इस तरह का बड़ा एग्ज़ाम निकाल पाएगा? जी बिल्कुल लग रहा था। मेरे बच्चे ने 2 या 3 बार NDA फाइनल तक पहुंचा है, CDS में भी वो इंटरव्यू तक पहुंचा है, तो ऐसे पूरी उम्मीद थी कि वो कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। बहुत ठीक है जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और आलोक भाई साहब के परम मित्र श्री धीरज शुक्ला जी, इनका बच्चा भी अभी चयनित हुआ है UPSC में IES पद पर इनका चयन हुआ है। तो भाई साहब, जैसा कि सबको पता है कि दोनों बच्चे साथ साथ ही पढ़े हैं, आपको क्या लगता है कि मतलब अब बच्चा और आगे कितने ऊपर तक जाएगा? ये बच्चों ने, हमारे दोनों बच्चों ने एक साथ तैयारी LKG से सेंट माइकल में की, उसके बाद IPS में 11th 12th किया, उसके बाद इन लोगों की काबिलियत पर हमें पूरा भरोसा है। ये इन्होंने जो मंजिल अपने मन में ठानी है वो निश्चित ही अपना पूरा पूर्ण करेंगे।